मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूं समझ में नहीं। तो उसके ब्लैडर की जगह फेफड़ा होगा और लिवर की जगह किडनी। वैसे आपका नाम क्या है? दिया। किसने रखा? मेरे भैया ने। सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान किस साउथ इंडियन फिल्म का हिंदी रीमेक है? क्या ये साउथ में रही थी फ्लॉप? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सुनीता जुआर। दोस्तों, अगर आप सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। दोस्तों, बॉलीवुड में रीमेक बनाने का फॉर्मूला हिट माना जाता है। इन दिनों बन रही ज्यादातर फिल्में किसी न किसी फिल्म का रीमेक है। हिंदी फिल्मों की बात करें तो बॉलीवुड ज्यादातर साउथ की सुपर हिट फिल्मों का रीमेक बना रहे हैं और बॉक्स ऑफिस पर अंधाधुंध कमा भी रहे हैं। सलमान से लेकर अक्षय कुमार, आमिर खान सभी रीमेक बनाते हैं और अब सलमान खान फिर से एक साउथ इंडियन फिल्म का रीमेक बनाने वाले हैं और ये फिल्म है किसी का भाई किसी की जान, जिसका एक साउथ फिल्म से कनेक्शन है। आपको बता दें, ये मूवी है कटमराइडू, जो कि साउथ इंडियन फिल्म है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये फ्लॉप साबित हुई थी। इस फिल्म में पवन कल्याण लीड रोल में थे। सलमान की इस फिल्म में पूजा हेगड़े, शहनाज गिल, दगुबती वेंकटेश, राघव जुयाल और सिद्धार्थ निगम जैसे बड़े बड़े एक्टर्स हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सल्लू साउथ की फ्लॉप फिल्म का हिंदी रीमेक क्यों बना रहे हैं? आखिर सलमान को इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? आपको बता दें, सलमान खान का फर्स्ट लुक भी रिलीज कर दिया गया, जिसमें कि वो बहुत लंबे लंबे बालों में नजर आए, काफी डैशिंग नजर आए और सभी ने उनकी जमकर तारीफें की। पहले इस फिल्म का नाम कभी ईद कभी दिवाली था, लेकिन इसे बदलकर किसी का भाई किसी की जान रख दिया गया। नाम के अलावा इसकी स्टार कास्ट में भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया। इससे पहले आयुष शर्मा का नाम भी फिल्म से जुड़ा था, लेकिन आयुष और फराह सामजी के बीच बहुत ज्यादा क्रिएटिव डिफरेंसेस थे, जिसे कि सुलझाने की कोशिश भी की थी सलमान ने, लेकिन बाद में वो भी थक हार गए और उन्होंने कहा कि अगर ये सॉल्व नहीं हो रहा है तो आयुष तुम ये फिल्म छोड़ दो, और आयुष ने ऐसा ही किया। अब दोस्तों, देखना होगा साउथ में जो फिल्म फ्लॉप हुई थी, क्या वो बॉलीवुड में बनकर बॉक्स ऑफिस पर मचा पाएगी तहलका। सलमान की बात करें तो इस फिल्म के अलावा वो टाइगर 3 को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा में है, जिसमें कि सलमान खान के अलावा आपको दिखेंगी कैटरीना कैफ, जिनकी केमिस्ट्री हम ऑलरेडी दो फिल्मों में देख चुके हैं इससे पहले की फ्रेंचाइजी में, और इसके अलावा इमरान हाशमी भी होने वाले हैं फिल्म में चार चांद लगाने को। इसके अलावा शाहरुख खान का केमियो भी होगा। तो दोस्तों, कितना इंतजार है आपको किसी का भाई किसी की जान और बाकी फिल्मों का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।